हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इतने ही बेहतर तरीकों से आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले क्लास 10 सोशल साइंस के आपके सामाजिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले, ताकि आपके प्रिपरेशन जो है 1x1 हो सके। ठीक है, एक वीडियो में जो भी इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हम आपके लिए ले आए हैं विथ आंसर। तो बस ध्यान से देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम पिछले साल क्या करते थे, सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते थे, बट इस बार हमारी प्लानिंग ये है कि हम आपको साइंस, सोशल साइंस दोनों एंड हिंदी इंग्लिश, सब हिंदी इंग्लिश के तो डल ही रही है, अब सोशल साइंस और साइंस दोनों को इंक्लूड करके आपको ऑल सब्जेक्ट ही प्रोवाइड कराने वाले थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई 1x1 सभी को। दो नंबर के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या याद रखना है, क्या प्रिपेयर करना है, संसाधन किसे कहते हैं। तो बहुत आसान में समझो बच्चों इसको, कि मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, मनुष्य इस पर्यावरण में बोल सकते हैं या यहां पर इस ब्रह्मांड में उपस्थित जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि पानी, हवा, धूप, मिट्टी, ये सब चीज क्या है, संसाधन। तो बोल सकते हैं मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वही क्या होती है, संसाधन होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं, ठीक है, जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं उसे ही जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मछली, मछली एक जीव है, लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आती, पेड़, पेड़ और क्या है, एक जीव है, कोयला, कोयला क्या है, जीवाश्म से कोयला बनता है, इसलिए वो जीवों पर आधारित है। तो इस तरीके से ऐसे संसाधन जो जीवों पर आधारित होते हैं उसे जैविक संसाधन कहते हैं। क्लियर है। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है भाई, अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो, जो संसाधन निर्जीव भौतिक संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं, ठीक है, ऐसे संसाधन जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। जो जीवों पर आधारित होते हैं या सजीवों पर आधारित होते हैं उसे जैविक संसाधन, और जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं जैसे कि भूमि, जल, धात्विक खनिज, ये सब चीज के इसके उदाहरण है अजैविक संसाधन के। क्लियर है। फिर चलते हैं भाई प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, इसको हमने तो नहीं बनाया ना, तो मनुष्य तो सिंपल सी बात है, ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या इसमें जो लिखा है उन चीजों को भी आप लोग लिख सकते हो। फिर अगला देख लेते हैं क्या भाई, कृत्रिम संसाधन। इसके साथ ही साथ हालांकि क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो कृत्रिम संसाधन भी आपको कैसे बोलना, ऐसे संसाधन जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम संसाधन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना उसको, ऐसे संसाधन जिसको मनुष्यों द्वारा बनाते हैं। जैसे कि किसको किसको मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है भाई, सड़क, मकान, मकान एक संसाधन है, और उस मकान को कौन बनाते, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये संसाधन क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी कृत्रिम संसाधन हो जाएंगे। क्लियर। चलते हैं फिर आगे बढ़ते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुद्धिकरण क्षमता, या इसी को बोला जाता है बच्चों सींग क्षमता। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण क्षमता, या तो सॉरी सींग क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की, मतलब पर्यावरण कुछ हद तक प्रदूषण को खुद ही अवशोषित कर लेता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हद तक स्वतः ही क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उसे ही शुद्धिकरण क्षमता या सिंक क्षमता कहते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प क्या हो सकता है, मतलब विद्युत उत्पादन के बदले हम कोयले के छोड़ और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो विद्युत उत्पादन के लिए कोयलों का विकल्प परमाणु ऊर्जा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कोयले, मतलब कोयला का छोड़ हम परमाणु ऊर्जा को कर सकते हैं इस तरीके से। फिर और भी है, जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़ों की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो फिर इसमें नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन को देखते चलना। ठीक है, अगला प्रश्न, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको करना है। तो प्राकृतिक संसाधन विकास की क्या है, मूलाधार है, कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक संसाधन, आप लोग लिखोगे कि हर एक संसाधन विकास से रिलेटेड रहते हैं, मतलब संबंधित रहते हैं। जैसे कि भूमि संसाधन चाहिए तो भूमि संसाधन भूमि विकास से संबंधित है, जल संसाधन जल विकास से संबंधित है, इस तरीके से आपको इसमें बताना होगा। क्लियर है। ये तो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपको नवीनीकरण अनवीनीकरण इस तरीके से करना, मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन जो है 8 से 10 क्वेश्चन दो नंबर के लिए क्या है, सफिशियंट है आपका। क्लियर है। फिर हम बढ़ते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 4 पर जो सॉरी 4 अंक के लिए फर्स्ट क्वेश्चन संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, प्रबंधन के प्रमुख उपायों को लिखना है। अब भाई संसाधनों का प्रबंधन, संसाधन किसको बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग हम करते हैं वो संसाधन है। अब उसको बचा के रखना क्यों जरूरी, जैसे कि पानी, तो पानी की बचा के रखना क्यों जरूरी, मिट्टी हमारी संसाधन है तो मिट्टी को बचा के रखना क्यों जरूरी है, पेड़ पौधे संसाधन है तो पेड़ पौधों को बचा के रखना क्यों जरूरी, उसके बारे में तो प्रश्न क्लियर है। अब चलते आंसर की तरफ। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भविष्य में उसकी संकट ना हो। संसाधन इसलिए आवश्यक है ताकि वर्तमान में पूर्ति सही से हो सके और भविष्य में इसके लिए, जैसे मिट्टी के लिए संकट ना हो या पानी के लिए संकट ना हो, इस तरीके से संकट जो है उत्पन्न ना हो। क्लियर, इसलिए इसकी क्या संसाधन का प्रबंधन आवश्यक है। क्लियर, अब इसका उपाय भाई कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उपाय दिया गया, इसके दो उपाय बोल दिया गया जो कि बहुत है। वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक जोर देना, वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक जोर देना, इसका मतलब ये है बच्चों, सीधी बात है, अगर आपको किसी और चीज़ से काम चल सकता है तो आपको उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। अगर चल सकता है तो मतलब आप पानी संसाधन हमारा, तो पानी के बदले आप किसी और चीज़ से काम चला सकते हो तो उस चीज़ का काम चलाओ, तो वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना इस तरीके से। फिर संसाधनों का नवीनीकरण, जैसे कि हम किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो चीज़ को बनना भी चाहिए, हम पेड़ काट रहे हैं तो नया पेड़ उगाना भी चाहिए, इस तरीके से नवीनीकरण संसाधनों की नवीनीकरण पर भी जोर देना चाहिए। तो ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। क्लियर, फिर अगला प्रश्न नवीनीकरण संसाधन नवीकरणीय बोला गया है या, देखो इसको नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है या अनवीकरणीय नवीकरणीय भी ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, तो इसको देखो, इसको ध्यान से मैं जूम आउट कर लेता हूं, स्क्रीन पर है आपके, क्या बोला जा रहा है, नवीकरण संसाधन का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं क्योंकि वो नया बन सकता है, जबकि अनवीनीकरण संसाधन का उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, नवीनीकरण संसाधन कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है, जबकि ये उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। नवीनीकरण संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है जबकि इसको बनने में हजारों साल लगता है, जैसे कोयला, कोयला बनने में कम से कम हमें हजारों साल लगेंगे, ठीक है। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं नवीनीकरण संसाधन कराते हैं, जबकि जो नहीं बनते हैं वो अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। तो उसके उदाहरण वगैरह ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान से कर लेना। तो देखो आपके पास और भी हो सकता है, हो सकता है आपके पास दूसरी गाइड वगैरह हो, तो आप वहाँ से मिला करके प्रिपेयर करते चलेंगे, और नहीं है तो इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम पूरी इस बार कोशिश कर रहे थे सबके PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालेंगे, वहीं पर आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, ये अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक क्वेश्चन आने लायक है। तो जल संसाधन को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप लोगों को बताना है। पहला, मनुष्य के दैनिक जीवन में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है ना। अब भाई मनुष्य का दैनिक जीवन में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं किसका, पानी का, जल का, इसलिए है। औद्योगिक क्षेत्र में जल की नितांत आवश्यकता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र की बात करें कि इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी जल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जल से विद्युत उत्पादन की जाती है, इसलिए वर्षा रहित क्षेत्रों में जल की द्वारा सिंचाई किया जाता है। फिर वृक्षारोपण द्वारा जल को संरक्षित रखा जा सकता है, जलाशयों में मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो ये जल संसाधन को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया क्योंकि हम लोग इसका दैनिक जीवन में उपयोग सबसे ज़्यादा करते, हर एक कारखाना इस पर चलते, विभिन्न प्रकार के जीव इस पर आश्रित है। इस तरीके से पानी क्यों जरूरी है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर अपने शब्दों में आंसर देना होगा। क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भूजल नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब आपको भूजल को नवीनीकरण करना है, आप चाहते हैं कि पानी की समस्या ना हो भविष्य के लिए, तो उसका नवीनीकरण करना पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, नवीकरण करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्षा का जल रिसकर धरती के अंदर पहुंचता है जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है, ठीक है। अब बरसात होगी तो बरसात का पानी ही जमीन के अंदर जाती है वो, जिससे उसका जमीन का जल स्तर बढ़ता है। अब आजकल इतना बोर हो गया है तो उन चीज़ों को, तो पानी तो एक टाइम में आता है कि दो गर्मी के दिनों में समाप्त होने लग जाते हैं, लेवल गिर जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि लेवल ना गिरे, हम गर्मी में भी साल भर जो है पानी की समस्या हमें ना हो, इसके लिए ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम,
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, वर्षा जल का संचय करना प्रथम आवश्यक है। इसमें क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम लोग बरसात की पानी है उसको किसी भी जैसे कि छत में संग्रहित करके नीचे ज़मीन में डाल सकते हैं या कुओं में वगैरह में गड्ढा खन करके तालाब बना करके हम संरक्षित रख सकते हैं इस तरीके से। फिर ये पहला तरीका। दूसरा, सड़क के दोनों किनारों पर घास की पट्टी छोड़नी चाहिए। हमें सड़क है तो सड़क के दोनों तरफ घास की पट्टी पड़ना चाहिए जिससे उस घास के द्वारा पानी जो है ज़मीन के अंदर जा सके। सीमेंट की सड़कें बनाने पर रोक लगानी चाहिए, मतलब जितना कम हो सके हमें सीमेंट की सड़क बनानी कम बनानी चाहिए क्योंकि सीमेंट की सड़क में पानी बह जाती है, इस तरीके से वो जो है कहीं और चला जाता है, वो उस जगह पे रिस नहीं पाता है ना, अंदर नहीं जा पाती है इस तरीके से। फिर नदियों के जल में कचरा डालकर अवरोध नहीं होने देना चाहिए इस तरीके से। फिर जल की स्वच्छता और शुद्धिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए इस तरीके से। 4 से 5 पॉइंट है, मिनिमम आपको 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्लियर। फिर प्रश्न पाँचवा, नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो किसके, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए, ठीक है। तो मिट्टी के नवीनीकरण करना है, मिट्टी को नवीनीकरण, खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई जाए, ठीक है। खेत है तो उस खेत के चारों ओर क्या होना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए, पार बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, ताकि मिट्टी जो है संरक्षित रख सके, वरना वो मिट्टी हर बार बारिश में बह बह के कहीं और चला जाएगा। दूसरा, फसल काटने के बाद खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए। हम फसल काटे खाली कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फसल चक्र बनाना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहे। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए जबकि रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट ही, जी इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, क्लियर है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाना है। तो इतना कर लोगे तो आपका 2 नंबर और 4 नंबर वाला सुफिशियंट है। तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते, समझते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ संसाधन बनते तथा उन पदार्थों का लाभप्रद उपयोग मनुष्य करता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति मानव व संस्कृति की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है कि संसाधन बन जाते हैं। अब देखो इसकी आंसर थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, बट उसमें है नहीं। अब देखो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अब ऐसी संसाधन जिसको हर एक चीज़ संसाधन है, तो उस संसाधन एक्चुअल में हम उसको सही से उपयोग नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसमें कहा गया है कि संसाधन जो है होते नहीं बल्कि उसको बनाया जाता है करके, क्लियर है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग जितना इस पर वीडियो पर व्यूज आएगी, सपोज दैट आप लोग जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उतनी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और वन शॉट ऑलरेडी डली हुई चैनल पर वो देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो हमारे न्यू चैनल एकलव्य RPS ऑफिशियल से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।